नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक व्यक्ति को चारों तरफ से घेर करके जो अपने आप को ये मतलब बहुत बड़े धर्म भक्त समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़े धर्म भक्त समझते हैं कुछ लोग व्यक्ति को घेर करके, उस विषय में हम बात करने वाले हैं कि एक पास्टर से जय श्री राम का नारा निकलवा रहे हैं, उसके मुँह से बुलवा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। बोल जय श्री राम। बोल। देखिए दोस्तों, वहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, सब चारों साइड हैं। बोल जय श्री राम। हाँ, इसको बार बार वही बात को बोला जा रहा है। बोल जय श्री राम। इसको बोलने बोल रहे हैं कि राम का जय जयकार। बोल जय श्री राम। हाँ देखिए, वहाँ बहुत सारे लोग, देखिए बार बार चिल्ला रहे हैं इसके। बोलेगा नहीं ना? बोलेगा जी। बोल जय श्री राम। देखिए चारों साइड, चारों साइड उनके, चारों साइड देखिए कितने सारे लोग खड़े। बोल जय श्री राम। मेरे ख्याल से ये जो प्रचारक है, ये वहाँ किसी क्रिश्चियन के घर में आया था। बोल जय श्री राम। बोल। और वो उनसे मिलने आया था। बोल जय श्री राम। तो भी से यहाँ पर जो है, देखो अब इतने सारे लोग, इन लोग को जय जय श्री राम बोलने बोल रहे हैं, उसको भी जय जयकार करने बोल रहे हैं। जय श्री राम। बोल। और वो डर भी रहा है। बोला जय श्री राम। बोल। पीटेंगे। नहीं बोलेगा। देखिए कैसे कर रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कैसे कर रहे हैं। मैं पापा, हां मैं पापा, मम्मी, तू इधर क्या करने आया ये बता पहले, तुझे किसने बुलाया? चारों साइड ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। किसने बुलाया तुझे इधर? ये अकेले अकेला है शायद, मेरे ख्याल से ये किसने बुलाया? और कोई अगर रहते तो ग्रुप में, शायद इसके ग्रुप वाले भाग गए होंगे। उधर गया मुड़ाओ। तो कभी भी अकेले ना जाए, झुंड में जाए। बोल जय श्री राम। बोल। बोल। किसी के घर भी जा रहे हैं तो वो हमें बुलाया है, वो बोल भी रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है, वो बोल भी रहा है कि प्रभु के लोग हैं, पहले आने से पहले वो प्रभु को मानते हैं, हम इनके घर आए जस्ट लाइक एक विजिट करने। एक मिनट सर, वो प्रभु नहीं है। तो बोल जय श्री राम। ये बहुत ही दयनीय परिस्थिति है। देखा दोस्तों किस प्रकार से ये लोग जो हैं अपने धर्म का मतलब जबरदस्ती अपने धर्म में लोगों को जोड़ने का इस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं। और ऐसे भी ये वो नहीं होते हैं, ये हिंदू नहीं होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना भी खाएंगे और दूसरे का भी खाएंगे, ये ऐसे लोग होते हैं। हाँ, तो इसमें जो है जबरदस्ती उससे श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, वो पास्टर से, वो मसीही भाई से। और वो बेचारा कितना गुमसुम है, डर रहा है और वो सोच रहा है कि अब ये मुझे मारेंगे। तो अगर क्या आपने कभी देखा है कि कभी भी कोई भी ईसाई लोग या कोई भी क्रिश्चियन लोग कभी भी किसी को जबरदस्ती जय यीशु की बोलो या ऐसे बोलो या यीशु को ग्रहण कर लो, नहीं करेगा तो मार खाएगा, धोएंगे तेरे को, जबरदस्ती धर्मांतरण कभी करते हुए देखे हैं आपने? नहीं। लेकिन ये लोग जो हैं, जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, इन लोग जो हैं जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं उससे, है ना, उससे नारा लगवा रहे हैं। लेकिन कभी भी ईसाई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपका तकलीफ ठीक नहीं कर पा रहा है तो आप जिस भी भगवान या ईश्वर का नाम लेते हैं, अगर उससे आप ठीक हो रहे हैं तो बिल्कुल आप उसकी उपासना करते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी यीशु मसीह का नाम लेता है वो ठीक हो जाता है और उसे उद्धार और मोक्ष मिलता है। तो उसके वजह से सब लोग उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं जबरदस्ती इस प्रकार से करवा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इनके लिए जबरदस्ती हैरेसमेंट का चार्ज ठुक सकता है इनके ऊपर, लेकिन ये कंप्लेन करने पर ही इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर जो है संविधान आपको ये मौका देता है कि कोई भी आपको जबरदस्ती अपने धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में जोड़े तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, 295 के तहत वो अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम उनके लिए प्रेयर करें और परमेश्वर से भी प्रार्थना करें, और हमें भी बड़े ही सतर्कता से अपने जीवन के हिसाब से परमेश्वर के कार्यों को करना है, अपने नियम और कानून के हिसाब से। तो सतर्क रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। और अभी कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप 100 में कॉल करके आप कंप्लेन करवा सकते हैं, कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती इस तरीके से हैरेसमेंट कर रहा है या परेशान कर रहा है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार। गुड बाय।